सकते हैं, आपको देख के बताते हैं क्या है, कितना अच्छा है। ये देख सकते हैं, ये भी फट गया है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, एस के किसान ब्लॉग में आपका स्वागत है। फिर से एक बार हम अपने खेत की तरफ आ गए हैं, आपको दिखाते हैं कि मतलब जो मतलब हरी हरी सब्जी होती है कितना अच्छा फरता है, कितना अच्छा फूल रखा हुआ है। तो बरसात के कारण ये ज़मीन पे मतलब कल तो दिखाए थे हमारा पे मतलब उगाया गया था तो मतलब कितना अच्छा था। आज दिखाएंगे मतलब ज़मीन पे हो मतलब उगाया गया है जो नीचे सतह पे होता है, मतलब वो बारिश के कारण वो ख़राब हो जाता है और अच्छा नहीं होता है। दिखाते हैं आपको खूब कितना अच्छा है बैक कैमरा करके। आज हमारे जो कैमरा मैन है वो आया नहीं है तो आपको बैक कैमरा करके पूरी दिखाएंगे। तो चलते हैं दिखाते हैं, तो चलिए दिखाते हैं दोस्त। आज सब्जी तोड़ने आए थे तो अच्छा ब्लॉग नहीं बन पा रहा था कि बारिश हो रही थी तो ब्लॉग बनाने का कोई टाइम ही नहीं मिला। देहात के लोग कहाँ जाएँ मतलब अपने खेती उती के बारे में, मतलब खेती उती का चीज़ दिखा रहे हैं हम आपको, और भी चीज़ दिखाएंगे। कितने बोरा है जो हम इसे खाएँगे, इसे हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं और बनाकर भी खा सकते हैं। तो चलिए एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको मतलब एक पौधा है उसका पत्ती रोज़ सुबह खाली पेट पीस के दिया जाता है, शुगर का कंट्रोल में रहता है शुगर। तो चलिए दिखाते हैं, शुगर का एक पौधा है, उसका नाम तो नहीं पता है लेकिन हम दिखा देते हैं कैसा है कैसा नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बैक कैमरा करके दिखाते हैं आपको, तो चलते हैं दिखाते हैं। तो देख सकते हैं वही वही ये पौधा है शुगर का, जो शुगर के मरीज होते हैं ना उनको ये पौधा मतलब इसका पत्ती होता है, दिखाते हैं आपको, इसका पत्ती होता है वो पीस के रोज़ खाली पेट दिया जाता है, चार चार पत्ती पांच पांच पत्ती, तो मतलब शुगर कंट्रोल में रहता है। देख सकते हैं कितना अच्छा पौधा है, आपको दिखाते हैं, ले लीजिए देखिए कितना अच्छा है, देखिए इसका पौधा मतलब देख लीजिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हमारे घर मम्मी पापा दोनों लोगों का शुगर है तो यही पीस के शुगर दिया जाता है, शुगर कंट्रोल में रहता है। तो देख सकते हैं, तो चलिए दिखाते हैं और भी चीज़। तो देख सकते हैं जो घेवड़ा हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में, मतलब निनुआ इसको कहा जाता है, देख सकते हैं कितना अच्छा फरा है। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितना अच्छा है, ये ज़मीन के सतह पे है, झमरा पे नहीं है, जो कल हम दिखाए थे रसरी पे बांध के रखा हुआ था, मतलब ये देख सकते हैं कितना अच्छा है, ये देखिए बहुत अच्छा है। तो चलिए और भी दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छा अच्छा सब्जी बोया जाता है यहाँ देहात में, खुद पैदा करके खुद खाया जाता है। ये बोरा है, दिखाते हैं आपको कितना अच्छा है, ये देखिए ये बोरा है कितना बढ़िया है, कितना अच्छा फल इसमें लगा है जो हम लोग बोरा बोलते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं और भी आगे, तो देख सकते हैं ये सरपुतिया है, सरपुतिया इतना अच्छा है, ये सब बोआ गया है, कितना बढ़िया बढ़िया फल है इसमें, फल इसमें है देख सकते हैं। ये झमरा पे नहीं है, झमरा पे होता तो और बड़ा होता, मतलब बढ़िया से लटक गया होता, देख सकते हैं कितना अच्छा है, ये देखिए। चलिए आपको दिखाते हैं एक और चीज़, मतलब जो एक हमारे खेत में ऐसा फल है जो बहुत बढ़िया से फूट गया है, तो आप देख के बताइएगा, कमेंट में बताइएगा क्या है। ये देख सकते हैं, आपको देख के बताते हैं क्या है, कितना अच्छा है, ये देख सकते हैं, ये भी फट गया है, कमेंट में बताइएगा ये क्या है, क्या चीज़ नहीं है, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा सब्जियां हैं हमारे खेत की, देखिए बहुत बढ़िया है सब्जी, मतलब हम लोग सब्जी खुद पैदा करके खुद ही खाते हैं। देखिए इधर लीलगाइयों का बहुत चरने का डर होता है लेकिन इसके लिए उपाय है, कल आपको वीडियो में दिखाए थे क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं और भी आगे, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ब्लॉग में यही सब दिखाने वाले थे हम आज, मतलब बारिश के कारण मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है, शूट ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए दिल से सॉरी। देखिए मतलब जो भी है आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाएंगे हम, थोड़ा मौसम सही होने दीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय जवान जय किसान।